अबे अकल के घोड़े भानी मार रखना है वो। बंटी एक पैरासिटामोल निकाल। बंटी एक सिल्वर एक्स निकाल। बंटी एक वैसलीन निकाल। वैसलीन बंटी विक्स की डब्बी। विक्स की डब्बी बेटा लूज मोशन की दवाई चाहिए थी तो पहले बताता ना। अबे बेवकूफ कब से तो बोल रहा हूँ लाभ डाइपर दे। बंटी डाइपर कहाँ है? आपके बाल की बड़ा भैया शर्मा की पेमेंट आ गई। बस ये गुप्ता पेमेंट नहीं देता। भैया ये वाली दवाई देना। एक समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। अरे इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है। अबे दिमाग मत खराब कर जा। साफ साफ लिखवा के ला। साफ साफ लिखवा के लाऊं? भैया भैया ये देखना क्या लिखा है। PCM पैरासिटामोल। थैंक यू भैया। भैया ये पढ़ने में आ रहा है जी। क्या है? PCM पैरासिटामोल। आपको भी पता लग गया। मम्मी इतना गवार थोड़ी हूँ घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ एप्पल की स्पेलिंग ही तो नहीं आती थी। भैया आपको ये पढ़ने में आ रहा है? हाँ ना भैया PCM पैरासिटामोल। इस अनपढ़ को भी आता है? ओहो फेफड़ों का बुरा हाल है। डॉक्टर भाटिया केमिस्ट को ना समझ नहीं आ रही। प्लीज एक बार दोबारा लिख के दे दोगे दवाई? ठीक है। अच्छी ये लो। थैंक यू। पैरासिटामोल चाहिए थी तो पहले बोलता ना। पागल पैरासिटामोल दे छोटू। अरे बेवकूफ। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। फोकस यार बंटी फोकस। एक कॉन्डम ही तो मांगना है। जेंटलमैन की तरह जा कॉन्डम मांग पैसे दे और ले यार खत्म। यस भैया एक कॉन्डम देना। अबे विक्की तेरे तो 12th के एग्जाम चल रहे थे ना। अरे पागल है क्या 10th के तल्ले हैं। पेटीएम कर दूंगा। एक एक्लेयर्स दे ना। अभी तो लेकर गया था। अरे दो ना यार आपका क्या जा रहा है। 6 पाउंड्स के डब्बे। बेटा एक खांसी की गोली दियो। अरे भाई साहब आपको ज्यादा खांसी हो रही है डॉक्टर के पास जाऊँ ना। और डॉक्टर 700 रुपए ले लेगा। पागल है तूने भी तो कोर्स कर रखा है। दे फटाफट। दो सुबह दो शाम। शाम जी जी। बेटा सर में दर्द है गले में खचखच है और पीछे पचपच है। दवाई दे दे। भाई साहब डॉक्टर के पास जाओ ना जल्दी जल्दी जाओ। और डॉक्टर 700 रुपए ले लेगा। इंजेक्शन ठोक देगा अलग से। तू दे देना दवाई। रोज खाओ। हाजमोला के 2 डब्बे। हार्पिक। बेटा कल घर में चोर घुस गए। चाकू तो मारा मारा सर फोड़ के चले गए। कुछ कर दे जल्दी से। ओह शिट भाई साहब डॉक्टर के पास जाओ ना आपको पट्टी कर देंगे। अरे तू ही कर दे। डॉक्टर 700 रुपए ले लेगा। बताया तो था कितनी बार। जल्दी आओ जल्दी आओ। ओह शिट मर्डर कर दिया। ओ छोटू दुकान बंद कर। भैया ये वाली दवाई है क्या? नहीं बेटा ये तो पीछे से ही नहीं आ रही। निकलवा दे दवाई। भैया ये वाली दवाई है? नहीं भैया सेम सॉल्ट है कंपनी दूसरी है। दू क्या? सेम कंपनी चाहिए। अरे यहाँ क्यों रख दिया ये? भैया ये वाली दवाई है क्या?
भैया अभी नहीं है, आप बोलो तो ऑर्डर करके मंगा दो दिन तक। अभी चाहिए मुझे। डॉक्टर गुलाटी, आपने कैसी दवाइयाँ लिख के दी है, कहीं भी नहीं मिल रही। 10 दुकानों से पूछा हूँ। आपने सामने वाली दुकान से पूछा? नहीं। छोटू पॉन्ड्स का डब्बा उधर नहीं उधर रखना है। अरे उधर नहीं यार, उधर। भैया ये दवाई है। एक डॉट निकाल दे, ऑगमेंटिन निकाल दे, निजोमैन निकाल दे और एक पेंटासिट निकाल दे। आपने तो पर्चा भी नहीं पढ़ा। अरे भाई साहब, सामने डॉक्टर गुलाटी से पर्चा लिखवा के लाए हो ना? हाँ जी भैया। डॉक्टर गुलाटी की सारी दवाइयाँ सिर्फ यही मिलती हैं। आप बेवकूफो, इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा दवाई तो दो। ला दे छोटू। ये लो। सारी हैं? सारी हैं। पैसे डॉक्टर गुलाटी से ही ले लेना। अबे ओ गोलगप्पे ओए, ए मेरे पैसे दे के जाओ। और भाई मोंटी, नए पैकेट कौन कौन से आए हैं? भैया एक ना पैड का पैकेट दे दो। लो जी, बस यही। छोटू दो पैड दे। अरे भैया आप मेरी बात नहीं समझे, इसको लिफाफे में डाल के नहीं दोगे? नहीं। काली पन्नी? नहीं। वाह भैया, मान गई मैं आपको। अगर सारे मर्दों की सोच आप जैसी होगी ना, तो ये देश यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएगा। लव यू भैया, लव यू। क्या सीन है मोंटी? अबे काली पन्नी खत्म हो गई थी, वरना मैं भी डाल के देता। छोटू पन्नी का पैकेट ऑर्डर कर दे। बिड़ू सारी दवाइयां निकलवा दे। सारी? सारी बोलिए तो सारी निकलवाओगे ना? हाँ बिड़ी, मेरा मतलब सेटिंग। अरे मैंने कल मॉरिशस की ट्रिप बुक करवा दी है। अरे रिलैक्सेशन करने का मन कर रहा था, मैंने कहा सीधा मॉरिशस चलते हैं, आसपास में क्या जाएंगे। चाचा जी, अरे 10 TB का मैंने iPhone 14 Pro Max बुक करवा दिया है। अरे 1 TB मिल रहा था, मैंने कहा 1 TB क्या करेंगे, उल्टी सीधी बहुत सारी मेरे पास वो होती है ना वीडियोस, तो मैंने सीधा 10 TB ले लिया। भैया निकाल दी सारी। कितना हो गया भाई टोटल? 26,000 रुपये। कितना बोला भैया आपने? 26,000 रुपये। भैया इसमें सबसे महंगी वाली दवाई कौन सी है? ये वाली भैया। निकाल दो। सेकंड सबसे महंगी दवाई कौन सी है? ये वाली भैया। निकाल दो। थर्ड सबसे महंगी दवाई कौन सी है? ये वाली भैया। निकाल दो। ये वाली कितने की है? भैया 3,000 की। एक सेकंड भैया। हाँ मम्मी, अच्छा ठीक हो गई बीमारी? ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मम्मी ठीक हो गई, वाली भी हटा दो। अब कितना रह गया भैया? 1200 रुपये। भैया एक बात बताओ, खाली गला खराब होता है तो वो तो विक्स से भी ठीक हो जाता है ना? वो तो जाती है भैया। तो विक्स दे दो एक। थैंक यू सो मच भैया। कितने हो गए? बाहर आके बताता हूँ। मैं भैया सामने रहता हूँ भैया, भैया उसमें से काट लेना भैया। बैठ के दीने। हेलो गाइस, तो अगर आप वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो जाते जाते एक लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो एंड सबके साथ शेयर कर दो। गाइस मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि भाई मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें हुई हैं केमिस्ट स्टोर के ऊपर, मतलब सारी हुई हैं, तो हाँ तो आप लोगों के साथ भी होगी क्योंकि कभी ना कभी तो लाइफ में हम लोग केमिस्ट स्टोर पे गए हैं ना, कोई दवाई खरीदने, कोई सामान खरीदने, कोई तो अगर आपको लगी ना कि भाई रिलेटेबल थी तो भाई शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड जिस केमिस्ट के पास जाते हो ना उसके साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को बहुत रिलेटेबल लगी तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए कम से कम। बाकी गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे मेरा पेज आ रहा है जसपुरु नाम से, बहुत मजेदार रील्स डाल रहा हूँ वहाँ पे, फोटोज भी डाली हैं, तो जाके लाइक कर दो उनको भी। एंड अभी मेरा एक और व्लॉगिंग चैनल जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, वो एक्टिव है बिल्कुल, मैं वहाँ पे डेली व्लॉग्स डाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं वकील बन गया हूँ तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब बहुत जरूरी है कि मैं आपको लाइफ दिखाऊं अपनी कि मैं क्या क्या करता हूँ क्या क्या नहीं करता पूरे दिन, तो जाके सब्सक्राइब करो उस चैनल को, यहाँ पे आ रहा होगा जस्ट पुरु व्लॉग्स नाम से, अभी जाके सब्सक्राइब करो। एंड अभी मेरा नया व्लॉग आ चुका होगा जब आप ये देख रहे हैं, तो जाके व्लॉग को भी देखो। बाकी जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन है दबा दो, घंटा है उसको भी प्रेस कर दो। प्यार आपका, मैटिन जसपुरु की, लव यू।